नमस्कार दर्शक मित्रों, दिव्य भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। नजर करते हैं समाचारों पर। विभिन्न मांगों को लेकर प्रहार हुआ है। युवा जनशक्ति पार्टी की ओर से जिला पदाधिकारी को ज्ञापन हुआ है। 8 नवंबर तक मांगे नहीं मानी गई तो 9 नवंबर को गोरेगांव अपर तहसील कार्यालय के सामने अनशन करेंगे। हिंगोली जिले में वे फर्जी कीटनाशकों, उर्वरकों, जैविक दवा कंपनियों और पूरे मराठा समुदाय की ओर से आरक्षण पाने के लिए अनिश्चितकालीन श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन इस बार पूरे मराठा समुदाय के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। उन आरोपों को तत्काल वापस लेने और अन्य मांगों को लेकर प्रहार युवा जनशक्ति पार्टी की ओर से 3 नवंबर को हिंगोली जिला अधिकारी को एक बयान दिया गया। इनकी अधिकारी का जानकारी यह है कि सकल मराठा समुदाय की ओर से वे विभिन्न स्थानों पर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन इस बार सकल मराठा समुदाय के सदस्यों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और एक के माध्यम से मांग की गई है उन अपराधों को तुरंत वापस लेने का बयान। निम्नलिखित प्रमुख मांगों को लेकर प्रहार युवा जनशक्ति पार्टी हिंगोली की ओर से एक बयान दिया गया, जिसमें नंबर एक, मराठा आरक्षण आंदोलन में सकल मराठा भाइयों के खिलाफ दर्ज सभी मामले तुरंत वापस ले। नंबर दो, खरीफ और रबी 2022 ICICI लोम्बार्ड फसल बीमा कंपनी ने तुरंत फसल बीमा प्रदान करने के संबंध में पूरे हिंगोली जिले में किसानों के पंचनामे की फिर से जांच की है। नंबर तीन, हिंगोली जिले का तत्काल सूखाग्रस्त घोषित करने के संबंध में। और नंबर चार, गोरेगांव कृषि मंडल की कर्मचारी उपस्थित रिपोर्ट दिनांक जून 2023 प्राप्त करने के संबंध में है। इसके अलावा नंबर पाँच में, कृषि विभाग हिंगोली फर्जी जैविक बीज औषधि के संबंध में मई से अगस्त 2023 तक की कार्यवाही की रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। नंबर छः, जुलाई में आंदोलन में जहरीली दवा खाने के बाद लिखित आश्वासन देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर कलेक्टर को लिखित बयान दिया गया है। इस समय युवा जनशक्ति पार्टी इस बयान पर जिला अध्यक्ष अमोल खिल्लारी, विजय कौडजी वानखेड़े, पवन राज मगर जिला ने आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि वे 9 नवंबर को गोरेगांव अपर तहसील कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। और से किसान भाइयों को लिए एक निवेदन दिए वाला है जिलाधिकारी कार्यालय हिंगोली को। और गए साल जो फसल पीक बीमा उतरा है ICICI लोम्बार्ड कंपनी में, ये कंपनी के विरुद्ध प्रशासन की ओर से कठोर कार्रवाई की वाली है। मगर हमारी मांगनी थी कि पूरे जिले में वो बोगस पंचनामे किए वाले थे, ये पंचनामे की फेर तपासी करने के लिए हमारी एक मांग थी। और फिलहाल मराठा आरक्षण आंदोलन दरमियान जो हमारे मराठा बांधव थे उनके जो केसेस दाखिल किए वाले वो केसेस पीछे लेने के लिए, और जो जिला है हमारा बहुत येलो में जैक बारिश नहीं थी इसके वास्ते सोयाबीन गई वाली है, इसके लिए हमारा जिला दुष्कालग्रस्त जाहिर करने के लिए। और जो हमारा कृषि मंडल है गोरेगांव का, इधर अनेक कर्मचारी आंदोलन से थे मगर प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाने वाली, इसलिए हमारी पार्टी की ओर से हम बेमुदत अनशन पर बैठने वाले अपर तहसील कार्यालय गोरेगांव।